बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री महाराष्ट्र में कथावाचन कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं और इसको लेकर कई हलकों से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं और ये विरोध करने वालों में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी भी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम मानव जी बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर इस कार्यक्रम पर आपकी क्या आपत्ति है और आप क्यों चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम रुके और उन्हें गिरफ्तार किया जाए धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जो कार्यक्रम अभी मीरा रोड में है कल और परसों ये कार्यक्रम कथा वाचन का नहीं है उनका दिव्य दरबार का कार्यक्रम है उनके कथा वाचन के कार्यक्रम को हमारा कोई विरोध नहीं है जैसा वो नागपुर में राम कथा वाचन के लिए आए थे उसको बिल्कुल हमारा विरोध नहीं था दिव्य दरबार के जो उनको ये वीडियोस उपलब्ध है पूरे यूट्यूब चैनल पर उसमें उन्होंने कई चमत्कार के दावे किए हैं दिव्य शक्ति के दावे किए हैं तो उसके लिए हमने उनको चैलेंज किया है कि इस दिव्य शक्ति किसी में नहीं होती है और आप कहते हो कि आप लोगों के नाम पहचानते हो उनके पिताजी का नाम पहचानते हो अपने आप पहचानते हो तो जो जो दावे उन्होंने वीडियोस में किए उसके आधार पर हमने उनको चैलेंज किया कि हम 10 आदमी ऐन वक्त पर आपके सामने देंगे और ये 10 व्यक्ति के नाम उनके पिताजी का नाम उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आप कहे पास के रूम में हम दस चीजें रखेंगे उनको पहचान कर बताएं और ये प्रक्रिया दो बार कंडक्ट की जाएगी नागपुर के पत्रकार भवन में या फिर अभी मुंबई के पत्रकार भवन में भी कंडक्ट की जा सकती है और वहां पर अगर दो बार आप 90 परसेंट करेक्टली कहते हो तो दिव्य शक्ति आप में ऐसा मानेंगे और 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज भी आपको मिलेगा और ये जो आह्वान प्रक्रिया है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई है उनके आश्रम के पते पर लेकिन अभी जो उनका दिव्य दरबार मीरा रोड में हो रहा है उसमें वो कई कानून का उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र में आकर उल्लंघन किया है महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का नागपुर में सात और आठ जनवरी को उनका दिव्य दरबार हुआ उसका वीडियो उपलब्ध है और उस वीडियो में उन्होंने जगह जगह पर इस कानून का उल्लंघन किया है नहीं पर श्याम मानव जी और इस कानून का उल्लंघन करने वाला वीडियो उपलब्ध होने आप नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं हाँ श्याम मानव जी आप नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं आपने उसकी शिकायत की जो नागपुर के कमिश्नर हैं अमितेश कुमार उन्होंने उस पूरे वीडियो को देखा उसके बाद नागपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी उन्होंने कहा हमने पूरे वीडियो का एक एक सेकेंड एक एक मिनट देखा और हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो पुलिस सर्टिफिकेट दे रही है कि वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे श्याम मानव जी. कह रहे हैं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो लोग तो पुलिस को मानेंगे जी बराबर है आपका जी बराबर है है नहीं नहीं सीधी सी बात है ना ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है पूरे महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों का ट्रेनिंग मैंने किया है और मुझे ही कानून की समझ नहीं है और मैं महाराष्ट्र के पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा हूं ये कितनी हास्यास्पद बात है नहीं लेकिन श्याम मानव जी आप और जो कुमार जी का शब्द तय किए हैं तीन गलतियां की है सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं आपने कानून के शब्द जरूर तय किए होंगे आपने ट्रेनिंग जरूर दी होगी लेकिन इस देश हाँ। में संवैधानिक प्रक्रिया है प्रक्रिया यह है कि श्याम मानव को कोई दिक्कत होगी वो पुलिस के पास जाएंगे पुलिस जांच करेगी पुलिस सर्टिफिकेट देगी और जब पुलिस कह देगी कि वहां पर हमको कुछ नहीं मिला तो वो मानना होगा आपको पुलिस के ऊपर लोग नहीं मानेंगे पुलिस का सर्टिफिकेट ही चलेगा अदालत के अंदर जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है इसीलिए तो हमने अभी तकरार पुलिस में ही की है ना लास्ट टाइम में आपने अमितेश कुमार जी का नाम लिया तो उनकी तीन बातें मैं आपसे कह दू इस उन्होंने कितना अभ्यास किया था उस का उस वीडियो का पहली बात उन्होंने कहा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट की थी जबकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट ही नहीं की थी कंप्लेंट महाराष्ट्र शासन की एक बॉडी ने की थी जिसका नाम है जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिति दूसरा उन्होंने कहा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आईपीएस अधिकारी है आईपीएस अधिकारी को अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में फर्क महसूस नहीं होता है तो उन्होंने कितना अभ्यास किया जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की कॉपी मैंने खुद उनके हाथ में दी थी इतना अभ्यास उन्होंने किया था और इसीलिए सर सर मैं 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 उनके उनके अभ्यास 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 की बात आप कह कह रहे के मैं भी भी उनका उनका बताता बताता रहा शब्द हैं हाँ। बागेश्वर महाराज फ्रॉम हनुमान चालीसा लाइक भूत पिशाच निकट नहीं आवे विच इज नॉट अ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस द पुलिस कमिश्नर सेट तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है कोई चीज देखी नहीं और उन्होंने हवा में भाग उन्होंने हवा में बात की मैं कह रहा हूं ना जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहते हैं कि उन्होंने कितना अभ्यास किया नहीं पर सर आप ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अनुसार मैं व्यक्ति ये ये को डॉक्टर डिग्री मानव नहीं, नहीं है देश की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है ना नहीं सुनिए ना आप बात फिर पुलिस किस लिए आप बात तो सुनिए ना पुलिस किस लिए अगर श्याम मानव को मानना है सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो सही है नहीं नहीं मुझे आप बताइए अगर पुलिस अंतिम शब्द है तो कोर्ट में क्यों केस जाती है नहीं तो आप कोर्ट जाइए पुलिस को मिला तो, तो, तो हम मांगे तो ना तो माने की हम पुलिस को माने नहीं नहीं आपने जो सवाल उठाया था जी जी आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको केवल आपको तो पता है धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहे ठीक है अब आप दर्शकों के लिए बता दीजिए वो ये कैसे करते हैं जो वो कर रहे हैं इसका टेक्निक बता दीजिए भाई टेक्निक क्यों बताऊ मैं क्यों नहीं बताएंगे आप एक आधे सीधा कर लोग लो माध्यम से उनको जानकारी नहीं मिलेगी भाई साहब मैं झूठा है केवल कह नहीं रहा हूं मैं चैलेंज दे रहा हूं हाँ तो चैलेंज दे देने तो बताइए प्लेटफॉर्म दे रहा हूं आप बताइए पर हम दस आदमी देंगे अरे भाई वो टेक्निक क्यों बताऊं मैं आपको नहीं बताइए ना भाई नहीं भी बताएंगे ये ये बताइए दस पांच में जानता हूं उससे भी ज्यादा हो सकती है इसका मतलब आपको पता ही नहीं है धीरेन्द्र क्या हैं, नहीं कर नहीं कर रहे रहे नहीं रहना इतना ही है कि उनको आपने आप, आप ये मानिए टीवी पर आपको नहीं पता वो क्या करते हैं शाह जी आप शांति से भाई साहब वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता है ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो जब नहीं पता जानकारी बताते तो जब मुझे नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं तो पहले क्या कह पहले कह बात को साबित कीजिए फिर दूसरे को फ्रॉड कहिए आप पहले फ्रॉड कह रहे हैं पहले अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं और आज टीवी पे नहीं वो क्या करते हैं इसीलिए चैलेंज इसीलिए साहब जी इसीलिए चैलेंज किया है इसीलिए चैलेंज किया है क्या चैलेंज किया नाए। है नहीं सर नो किसी भी माध्यम से जानकारी श्याम मानव जी इस जनता पर... दस व्यक्ति वक्त पर उनके सामने पेश किए जाएंगे उनके नाम उनके पिताजी का नाम उनकी उम्र उनके मोबाइल नंबर कहे हुए उनका जो दावा है उसके अनुसार बात सुनिए ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आज आप टीवी पर किसी माध्यम से जानकारी नहीं प्राप्त होती अपने आप प्राप्त होती है श्याम मानव जी हो सिद्ध हो जाएगा श्याम मानव जी मेरी बात तो सुनिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद हाँ, आज टीवी पर मान रहे हैं कि आपको नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं कैसे करते हैं लेकिन आप फिर भी उनको फ्रॉड बता रहे हैं आप फिर भी उनको गिरफ्तार करने की बात कर का... रहे हैं सुनिए ना मेरी बात तो सुन लीजिए मेरी बात क्यों हो रहा है मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए सर जब हम किसी के व्यक्ति में व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो फ्रॉड है तो हमको साबित करना होता है कि वो फ्रॉड है जब आपको श्याम आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में नहीं पता आप... कि फिर वो फिर क्या गलत कर रहे हैं तो क्यों क्यों आप उनको फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं आप उनको गिरफ्तार करने की मांग किस बेसिस पे कर रहे हैं साहब जी साहब जी मैं तो गिरफ्तार करने की मांग कर रहा हूं उसके पीछे कानून है महाराष्ट्र सरकार का कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है केंद्र सरकार का कानून है ये दोनों कानून कॉग्निजिबल है दोनों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं पुलिस ने उन पर एक्शन लेनी चाहिए पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद में कोर्ट केस होगी कोर्ट में जाएगा ऑलरेडी एक केस कोर्ट में गई है कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं अच्छा सर मुझे लास्ट टाइम कोर्ट में जा नहीं सकता था क्योंकि लास्ट टाइम अखिल भारतीय श्यामान समिति ने कंप्लेंट नहीं की थी श्याम मानव था जी ये बताइए आप कह रहे हैं कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्या आप हमें कुछ हिस्सा बता सकते हैं कि ये चीज उन्होंने की और ये कानून का उल्लंघन है हाँ, उन्होंने कई बार कौन सी बीमारी किसको हुई है ये कहा है कौन सी बीमारी होना ये कहना यह डायग्नोसिस है उसके उपाय बताए हैं सात आठ कई वीडियो करीबन बीस जगह पर है आप चाहिए तो मैं आपका आदमी मेरे सामने बैठे उनके साथ में मैं पूरे कागज दे देता दे हूं आप उनको एक बार देख लीजिए उसका वीडियो का हमने ट्रांसक्रिप्शन निकाले है पूरे उसी के साथ में पुलिस को साधर किए उसमें वो कई बार रोगों की शिनाख्त करते हैं रोगों का क्योर बताते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत ये कानूनन अपराध है ठीक है अब मैं मैं इस पे एक बात कहूं सा किया गया है ऐसा कहते हैं श्याम मानव जी इस पर सुनिए आप सुनिए एक बात सुनिए अच्छा बोलिए अभी बात मुझे पूरी करने की बोलिए बोली वो कहते हैं कई जगह पर अपने भक्तों को कहते हैं जो उनके पास में दिव्य दरबार में आते हैं कि आपको टोटका किया गया है टोटका किया ऐसा कहना यह कानूनन अपराध है जादू टोना विरोधी कानून के तहत टोटका किया जादू टोना किया भूत लगाया यह कहना अपराध है यह अपराध उन्होंने बार बार रिपीट किया है फिर वो कहते हैं कि आपके यहां पितर है उसका कोप है इस कारण आपको यह बीमारियां हुई ये भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत आठवां अनुसूची का कलम है उसके अनुसार अपराध है ये कई बार 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 उल्लंघन करते हैं उसका आप प्लीज कानून को पढ़िए मैं कानून की कॉपी भी भेज देता हूं आपके व्यक्ति के साथ में मैं आपकी बात मान गया अगर आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ शांति से बात कीजिए मैं समझ लीजिए मैं आपसे कोई झूठे आरोप नहीं मैं आपसे चालीस साल से दो तीन बात साहब जी आपने कहा कि वो बीमारी बता देते हैं या वो पितरों की बात कर लेते हैं सर इस देश में नहीं। आप नहीं मानते होंगे मुझे नहीं पता आप भगवान को पूजते हैं नहीं पूजते हैं नहीं। आप गांव मोहल्ले कहीं 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 भी चले जाइए आपको 90 परसेंट आबादी ऐसी बोलती हुई ऐसी बताती हुई मिल जाएगी कि मेरे पितरों में ऐसा हुआ इसको तुम्हारे बच्चे को नजर लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है आप क्या इस देश के नब्बे परसेंट आबादी को जेल में डाल देंगे क्या इस देश में धर्म मानना क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ये मंत्र जपना और इससे तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये कहना अपराध की श्रेणी में आता है जी, नहीं नहीं अभी आपने पहली बात कही थी उसको कंप्लीट करेंगे लोग कहते हैं नजर लगी है टोटका किया है नब्बे लोग मानते और सैकड़ों लोग हर साल उसमें मारे जाते हैं इस दुनिया में कोई टोटका नहीं कर सकता है कोई किसी को नजर नहीं लगा सकता है इसके बावजूद लोग मारे जाते हैं फॉरेन में विच हंटिंग होती थी विचय कर, कर उनको जलाया जाता था कानून से वो बंद किया गया हमारी आमने अभी रोकना नहीं चाहिए क्या नहीं जादू अगर कोई अगर कोई किसी है, को मार डालना लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो और साथ में डॉक्टर को चालीसा यहाँ कोई संबंध नहीं है नहीं नहीं हनुमान चालीसा ही वो बोल रहे हैं भाई मैं अभी उनके बागेश्वर धाम गया था हनुमान पता है सर वहाँ क्लिनिक खुला हुआ है और वहाँ वो यही बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो क्या हनुमान चालीसा में आप हनुमान चालीसा को मानते हैं आप अभी बात को बात को दूसरी जगह मैं कहीं नहीं ले जा रहा सर जिस बात के क्या बारे आप हनुमान चालीसा पुर को, को मानते हैं सर अरे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं सर देखिए यहाँ बात क्या हो रही है बिल्कुल इसी बात की बात हो रही है इसको मानते हैं उसको मानते हैं ये बातों में आप अटक के रहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अटक रहा मैं जानना चाहता हूँ क्या हनुमान चालीसा को बारे में आप अटक के रहेंगे क्या हनुमान चालीसा को मानते हैं सर

इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते होते और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होती तो यह सवाल ही मुझसे नहीं पूछते नहीं आप हनुमान चालीसा हनुमानशाली सवाल मुझे क्या क्या मानना है, क्या नहीं मानना है है नहीं। किसी धर्म एक... को मानना है किसी धर्म को नहीं मानना है यह भी अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया अरे तो बिल्कुल दिया ये है? अगर आपको पता नहीं तो मैं क्या करूं अगर कॉन्स्टिट्यूशन मानने का अधिकार दे रहे सर मेरा प्रश्न तो सुनिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन धर्म को मानने का अधिकार देता है तो वही धर्म कई बार लोग सवाल पूछते हैं हाँ, भगवान का साक्ष्य क्या है हाँ, भगवान का प्रूफ क्या है हाँ, आप जिस महाराष्ट्र में बैठे हैं वहां लोग शिरडी में जाते हैं भबूत लगाते हैं उसका क्या प्रमाण है फिर बोलिए कि धर्म को भी हटाइए धर्म का कोई प्रमाण नहीं भगवान का कोई प्रमाण नहीं साहब जी जिसको जिसको शिरडी में जाना है शिरडी के भाई बाबा को मानना है हनुमान चालीसा को मानना है उनको सबको अधिकार है बस सरकार को नहीं ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता कानून कहां कानून कहां हस्तक्षेप करता है जादू टोना किसी ने किया करनी किया भूत लगाया ये कहना कानून अपराध है भाई लेकिन जो कार्यक्रम हुआ, हुआ नहीं वाला जो आपको कैसे पता वो वहां भूत भगा देंगे आधार पर बना है अरे भाई जहां कार्यक्रम हुआ नहीं उसमें आप कह रहे हैं भूत भगा देंगे पहली बात मैं दूसरी बात भगाने की बात श्याम मानव जो श्याम मानव जी दूसरी बात आप बार बार ये कह रहे हैं कि भूत भगाने की बात आप बागेश्वर सरकार का टेस्ट लेंगे आप कह रहे हैं बागेश्वर सरकार का टेस्ट लेंगे एक कमरे में एक कमरे में दस मोबाइल नंबर लिख कर रख देंगे और वो वो बताए दस मोबाइल नंबर का भूत भगाने से तो कोई लेना देना नहीं है ऐसा नहीं बोला है मैंने फिर से आप हिंदी भाषा को आप भाई मैंने ऐसा कहा कि वो उनका दावा है उनका दावा है उनका दावा यह है कि वो लोगों के मोबाइल नंबर बता सकते हैं उसके वीडियोस मैं आपको भेज सकता हूं तो हमने इतना ही कहा कि आप मोबाइल नंबर बताइए पंडोकर महाराज ने कहा मैं मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा मैं बैंक का अकाउंट नंबर बताऊंगा मैंने कहा ठीक है आप बैंक का अकाउंट नंबर बताइए जो आप कह सकते हैं उनके दावे है, वही आधार दिया मैंने दस मोबाइल रखने की बात नहीं की मैंने दस चीजें रखने की बात की है वो दस चीजें उनको पहचान नहीं है कई लोग हैं है वो मैं सब, वो देखे, मैं मोबाइल मैं नंबर नहीं बता सकता तो मैं निकाल डालूंगा वो देखिए आपकी बातें जो है आपके आधार से मैच नहीं हो रही सर या तो भगवान का भी आप सबूत मांगिए आप कहिए जो है, हाँ. भगवान के पास श्रद्धा में सिर झुका रहा है और विश्वास कर रहा है चमत्कार होगा वो भी चमत्कार है और नहीं तो फिर उस भगवान का रास्ता दिखाने वाले एक, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो इससे फायदा होगा ये बताने वाला कैसे झूठा और फ्रॉड होगा ये नहीं समझ में आ रहा दूसरा आप बता नहीं पा रहे वो फ्रॉड क्या करते हैं तो मैंने मैंने सीधा सवाल आपसे किया है मैंने सीधा सवाल आपसे किया है कि हनुमान चालीसा के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है मैं कुछ कह नहीं रहा हूं साई बाबा मैं क्या कह रहा हूं कि जादू टोना विरोधी कानून सर बाबा क्या करते थे? क्या किया जादू टोना किया भाई साई बाबा से क्या मेरा लेना देना क्यों है नहीं है ले लेना देना सर साई बाबा में लाखों साई बाबा के बारे में भी बात करूंगा वो भी तो महाराष्ट्र से रहे हो है ना तो जी कई लोगों का कई लोगों पर विश्वास है हाँ तो फिर तो वहां अपन जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं यही मैं तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा रहे मैं कानून की बात की वहां क्यों नहीं जा रहे यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे नहीं जा रहा हूं नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं इसका मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर रहे हैं जिंदा नहीं है वहां में जाता नहीं आपका आप टारगेट कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू धर्म धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं जी मैं तो उनको जानता तक नहीं था आपको भी लोग नहीं जानते थे लोग कह रहे हैं आपने लोकप्रियता के लिए सब किया आपको सिक्योरिटी मिल गई ठीक है आपको जो कहना है कि जी ये महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं आप मार, जानते आपकी है, दुनिया महाराष्ट्र तक सीमित है बागेश्वर सरकार को देश सार सार में बतर दुनिया में लोग जान रहे हैं हो सकता है आपको इससे दिक्कत हो रही हो ठीक है ना बहुत अच्छी बात है ना मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कई लोगों को लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे और आप भी बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है इसलिए आप पीछे पड़ गए अभी यहाँ पे मैं भारत जोड़ो की यात्रा में गया था राहुल गांधी के इमरजेंसी में जेल में गया था इंदिरा गांधी का विरोध कर कर ये सब चीजें मैं करते आया हूँ लोगों को लगता है उससे हो सकता है बीजेपी को फायदा हो ये बात तो तो आपको ठीक है।, है ना बीजेपी के लोगों के साथ में मैं जेल में था ना अगर तो ना सर अब तो बहुत इंदिरा राहुल गांधी के साथ हैं यानी आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी के दादी जी का जो विरोध किया मैंने विद्यार्थी दशा में और मैं जेल में गया था तो वो बात बिन महत्व की है और मैं राहुल गांधी की यात्रा में गया वो बात महत्व की है हां तो हम आज में जी रहे हैं यानी इसका मतलब ऐसा हम, है। हम आज में जी, जी रहे हैं हम आज, है आज, आज, आज बात कर रहे हैं तो पोलिटिकली जो अच्छी चीज हो रही है उसका समर्थन करना है तो मैं समर्थन करता हूं विरोध करना है तो विरोध करता हूं आ, तो इसीलिए कि भाई आप राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं और हो सकता है बीजेपी को हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा से फायदा हो जाए इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं भाई देखिए आज तक तो मैं बीजेपी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ हूं ना बीजेपी के खिलाफ एक शब्द मैंने कहा है बीजेपी में मेरे कई अच्छे मित्र हैं सभी पार्टियों में हैं राहुल गांधी की यात्रा में मैं गया था तो उस यात्रा का जो विषय था वो मेरे लिए समर्थनीय था इसलिए मैं गया था आप भी ऐसा काम करेंगे तो आपके भी समर्थन में मैं आ जाऊंगा भाई राहुल गांधी का विषय तो ये था कि भाई भारत तो में जो है बोलने की आजादी नहीं है करते तो मैं उठ गया है तो आप आप फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूं वो तो यही कह रहे हैं बीजेपी ने देश को तोड़ दिया तो फिर आप बीजेपी के साथ कैसे हैं अभी अभी आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं इसमें मेरा आ, भी कहना आप है आप जहां आप जहां जवाब नहीं दे पाते आप कहते हो मामला इधर चला गया अच्छा मुझे बताइए इतना आसान नहीं रहा अभी आप जो है आप जो है साईं बाबा बा... पे नहीं बोलना चाहते मदर टेरेसा पे बोलना चाहते हैं मदर टेरेसा क्या करती थी भाई अभी मदर टेरेसा कहां से आ गई क्यों मदर टेरेसा को भी बैठी करने बोला उन्होंने चमत्कार किए हैं क्या मदर टेरेसा फ्रॉड थी वो गलत बात है मेरा वीडियो उपलब्ध है उस पर मदर टेरेसा ने जो काम किया उसको भारत ने भारत रत्न दिया नोबेल प्राइज मिला ये काम उनका बड़ा है तो उनको चमत्कार देकर उनको संत पदवी देना वो भी झूठे चमत्कार लाना है उस पर मैंने वीडियो तभी बनाया हाँ तो मदर टेरेसा को गलत चैनल मदर टेरेसा ने मदर टेरेसा भी आपके हिसाब से चमत्कार नहीं करती थी बोला ना गलत अरे भाई साहब वो वो बाकी बातों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं मैं उनको जो चमत्कार के आधार पर मदर टेरेसा को संत पदवी दी उसके बारे में मैंने विरोध किया ये बात मैंने जाहिर तरीके से की टीवी के कार्यक्रम में भी किया क्यों जाहिर किया क्योंकि महाराष्ट्र में संत परंपरा उसको कहते हैं कि जो लोगों को चार पाया, पाया चार कदम आगे ले जाता है समाज को आगे ले जाता है उसको संत कहते विनोबा भावे की यह व्याख्या है लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं सब? और विनोबा भावे का मैं साथी रहा मदर टेरेसा के खिलाफ आप तो इतनी लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं इस की। नहीं, नहीं, आप बात नहीं, नहीं, आप दूसरी बात इतने लंबे वक्त से लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आपने मदर टेरेसा के खिलाफ एफ कराई कभी जब वो जिंदा थी हा एफ आई किस बात के लिए अभी आप खुद कह रहे हैं उनका चमत्कार नहीं था गलत था

विरोध भी भी किया पर था मैं ये कह रहा हूँ तो साबित नहीं कर पाए पर उस आदमी को खुल के फ्रॉड कह रहे क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा है अरे भाई भाई सीधी सी बात है जाहिर तरीके से कह रहे हिंदू धर्म से वो जुड़ा और मैं कैसे जुड़ा हूं वो मुझे नहीं पता आपको हिंदू धर्म की व्याख्या मालूम है ना सर मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट तो ने हिंदू हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा है सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा है सुन ली अभी एक मिनट सुन लीजिए ना आपको मालूम नहीं तो सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है उसमें आस्तिक परंपरा भी है और नास्तिक परंपरा भी है चारवाक नास्तिक थे उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं तो आस्तिक है ना सर। कायत नास्तिक थे।, ना? थे ना है लोग लोग ना? भूत पिशाच निकट नहीं आवे सभी जब नाम हैं सर जब तुलसीदास जी ने लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो उसमें भूत पिशाच आएगा कहां से निकट साहब जी भूत पिशाच होता नहीं है तो, तो जी, जी, जी लिख क्यों रहे थे 90 लोग नहीं समझ पाते फिर बोलिए हनुमान चालीसा का विरोध कीजिए ना फिर भाई तब मानते थे भूत था पूरी दुनिया अब भी दो सौ साल पहले भूत था ऐसा मानते थे नहीं नहीं पूरी दुनिया अभी मानती है भूत नहीं होता है पूरी दुनिया मंत्री ने उतारा नहीं मानते और उसे दुनिया का सत्य मानते हैं पूरी दुनिया नहीं मान मानता है सर साइंस का भी एक मांते मांते है। दुनिया को इसको है। एनर्जी से जोड़ता है कोई दूसरी बातें कहता है लेकिन आपके साइंस का आप... मानता है मैं आपको बताऊंगी डिपार्ट आपको बताऊंगा आपके आपको ऐसा नहीं जानते हैं आपको परम सत्य है देखिए साहब जी ये आपको भी कहने का अधिकार है कि आप जो जानते हो आप परम सत्य है मैं केवल जानकारी देने की कोशिश कर रहा आप हूं। जानकारी दे नहीं रहे इस दुनिया में भूत नहीं है ऐसा मानकर काम करता है। अरे पर वो न माने ना सर अभी आपने कहा मदर टेरेसा के बारे में कि अपनी है। है। अपनी MD अपना दृष्टिकोण है करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो क्या हवा में मान रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूं आपसे आप बोलिए बेकार है बेकार है वो हनुमान चालीसा बेकार है बोलिए फिर अधिकार है उनका अधिकार ने, है नहीं उनका अधिकार है उन्होंने करना चाहिए हाँ तो करना चाहिए तो उनका अधिकार है वो हाँ। जा रहे हैं बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में उनका भी अधिकार है आपका उनका अधिकार है वो लोगों को बैठाकर कर रामचरित मानस सुना रहे हैं उनका अधिकार है हाँ दीजिए लोगों को कहाँ ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ आप आप मुझे बताइए पंजाब में प्रोफेटर सिंह है आपने पंजाब के प्रोफेट प्रोफेट बजिंदर सिंह का सुना है नाम जी नहीं नहीं सुना मैंने तो एक मैं का नाम सुनना चाहिए कोई जरूरी नहीं अरे है अरे भैया सर वो तो जो कर रहे हैं आपको आप अगर इतना इतना आप हाँ। प्रभावशाली हैं इस बात को लेकर इतने गंभीर हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए आपको तो प्रोफेट बजिंदर के वीडियो आपके पास पहुंच जाने चाहिए थे जिस तरह की चीजें वो करते हैं उसका तो एक परसेंट भी आपको धीरेन्द्र शास्त्री में नहीं दिखेगा अभी मुझे मालूम नहीं तो ठीक है ना अभी मैं ध्यान दूंगा यही तो आपके आरोप लगता है कि आपको हिंदू धर्म है दूसरे धर्म तो दिखते नहीं है यही तो आप पर आरोप है भाई साहब अभी क्या करूं मैं गलती से हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं ना नहीं, नहीं आप कि पैदा किसी भी धर्म में हो जाते प्रयास पीछे पड़ गए हिंदू धर्म मैं खुद अंधविश्वासी था मेरे पिताजी अंधविश्वासी थे मेरी माताजी अंधविश्वासी थी मेरे भाई बहन अंधविश्वासी थे तो सब हमने अंधविश्वास भुगते हैं ना भाई हमारे जीवन में इसलिए तो चालीस साल यही काम कर रहा हूं ना नहीं तो मैं आप जैसा मस्त टीवी के पत्रकारिता करते बैठता सर बॉस श्याम मानव जी इस भ्रांग भ्रांग में बिल्कुल कि टीवी की पत्रकारिता बहुत मस्त है आ, हम लोग जितने प्रेशर में काम करते हैं और जिस तरह के माहौल में काम करते हैं अंदाजा भी नहीं नहीं है मैं रहता ना मैं ये कह रहा हूं मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप तकलीफ नहीं उठाते मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मेरे जीवन में जो मैं कर रहा था वो छोड़ के ये काम क्यों मैं करने लग गया अच्छी पत्रकारिता कर रहा था मैं ग्लैमर की पत्रकारिता थी बहुत तारीफ मिलती थी ये काम शुरू करने के बाद पहली बार गालियां खाना शुरू कर दिया मैं कार्यक्रम है धीरेन्द्र शास्त्री का उसमें आप जाएंगे किस किस लिए जाने का है अरे उनको एक्सपोज़ करने की सिचुएशन क्रिएट करना ये मेरा काम नहीं है एक्सपोज ऐसा नहीं होता है साहब जी तो कैसे भक्तों के सामने टीवी पे इंटरव्यू प्रयास करते हो टीवी पे इंटरव्यू जाते, जाते हो उससे भी नहीं होता है तो फिर इसीलिए तो चैलेंज किया है फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर तो आपको डर लगता है इसका मतलब? पत्रकारों के सामने होगा ना आपको डर लगता है पत्रकार तो कराए धीरेन्द्र शास्त्री का टेस्ट आप मान नहीं रहे वगैरह तो ये आप मान नहीं रहे हो पत्रकार तो टेस्ट कराए सारे चैनल के पत्रकार टेस्ट कराए मान लीजिए फिर नहीं पत्रकार टेस्ट करे आए मैंने यही कहा कि ये सब चीजें जो होती है ना वो एक्सपर्ट की चीजें होती है मैं अगर कुछ चमत्कार आपके सामने करूं तो आप नहीं पहचान पाएंगे मैंने कहने के बाद ही आपके ध्यान में कोई चमत्कार दिखाएंगे हमारे लिए दर्शकों के लिए मैं अपने कान में चिट्ठिया रखता हूं और तीस तीस चालीस चालीस लोगों की चिट्ठियां बताता हूं उसका टेक्निक जब तक आपको पता नहीं होगा आपको नहीं पता होगा बताइए ना हमारे दर्शकों के भी ऐसी चीजें की जा सकती है कैमरे के सामने भी जो स्टेब्लिश होगी कि ये सच है ये लेकिन ट्रिक्स होती है पर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं सर। सब ट्रिक्स तो दुनिया के श्याम मानव जी मैं आपसे यही तो कह रहा हूं आ? कि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं इतने सालों का अनुभव है आपने धीरेन्द्र शास्त्री के इतने वीडियोस देख लिए आप बताइए ना वो कहां पर क्या ट्रिक कर रहे हैं आप वो बता नहीं पा रहे सीधी बात कह रहा हूं मैं कि वो जानकारी इकट्ठा कर लोगों तक पहुंचाते हैं और कहां से इकट्ठा कहा आप हैं? मुझे आपका चेहरा बता दीजिए आपका नाम बता दीजिए पांच मिनट में मैं आपकी जानकारी दे देता हूं अरे तो दीजिए ना मेरी जानकारी मेरा दे नाम सुशांत सिन्हा आज भी नहीं मिले आप, आप, आप बताइए मेरे बारे में कुछ बताइए आप अरे क्या है सीधा आपने डाला आपका सुशांत सिन्हा नाम है और आपका चेहरा पता चल गया हाँ तो दो चीजें पता चल गई फेसबुक डालो इधर डालो उधर डालो गूगल पे डालो आपके कितने फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं अरे भाई पर जिस आदमी को भीड़ से आपको समझाना पर जिस आदमी को भीड़ से उठा कर ला रहे हैं, हैं उसका नाम भी नहीं पूछ रहे और पहले से लिख रखा है कहां से कहा ऐसा आपको लगता है ना नहीं नहीं हमको नहीं लगता ये तो मैंने आप ये कह रहे हैं एक श्याम मानव जी समय पर हमें श्याम मानव जी मेरी बात सुनिए वहां लाखों की भीड़ में से पत्रकारों ने अपनी मर्जी से लोगों को चुना है और उनके बारे में बताया गया है वही कह रहा हूं मैं अगर उनमें एक क्षमता है तो आप क्यों उनको अब आप, नहीं आप, आप आप नहीं आप बता पा रहे वो कैसे किया अब आप कह रहे क्षमता है तो फिर टेस्ट दीजिए टेस्ट तो लेने आप जाएंगे नहीं क्या जा रहे मुझे तो यही नहीं समझ तो में आ रहा आप वहां हाजिर रहिए ना आप आप चाह क्या रहे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप वहां जाएंगे नहीं आपको आदमी फ्रॉड क्या, क्या कर रहा है ये बताएंगे नहीं आप हिंदू धर्म को जो है, जो है है वो पूजा लोग करते हैं बाबा पे कुछ बोलेंगे नहीं मदर टेरेसा पे बोलेंगे नहीं आपको पता नहीं है आपको लेकिन सारी बातें जो है वो भी है उसका सबूत भी नहीं है क्या सर भाई साहब ये जो आपका मत है वो आपका मत मैंने डायरेक्टली चैलेंज

आप बस ये मानते हैं कि जो आपने कह दिया उसका कोई सबूत ना भी रखे तो भी है वही सवाल ही नहीं आता ना अरे भाई मैं कह रहा हूं सुनिए श्याम मानव जी इस कहानी में दो किरदार साहब जी अभी सर, मेरी बात सुनिए लास्ट लाइन इसके बाद मैं बहस हाँ। नहीं करूंगा आपसे दो किरदार श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र हाँ। शास्त्री पर आपने प्रश्न उठाए धीरेन्द्र शास्त्री ने दसियों चैनल हाँ। पर उनको मौका देकर अपने दसियों टेस्ट दिया और उसमें पास हो गए अब हमारे सामने श्याम मानव है जो एक बार भी नहीं बता पा रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड क्या करते हैं एक सबूत नहीं रख पा रहे लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया उनको ही माने दुनिया उनकी बात सुने और इनको गिरफ्तार कर लिया जाए है रिपीट किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो टेक्निक उपयोग में लाते हैं वो मुझे पता होगा ही ऐसा नहीं है इसीलिए उनको कोई भी टेक्निक उपयोग करने की गुंजाइश में रखूंगा नहीं इस ढंग से पूरी चुनौती की प्रक्रिया कंडक्ट करूंगा और उन्होंने अपने आप उनको जो दावा है दिव्य शक्ति से उनको पता चलता है वो दावे के अनुसार वो दिव्य शक्ति से ये जानकर बता दे दूध का दूध पानी का पानी मैंने तो जाहिर किया है कि अगर वो लास्ट में एक बात बताऊं श्यामानंद प्लास्टिक टिकूंगा आप जो हैं और अखिल भारतीय श्रद्धा निर्मूलन समिति का काम हमेशा आप, आप ये तो मैंने बार बार कहा है दुनिया टेस्ट देगी आपको टेस्ट नहीं, नहीं देगी पहली बात तो ये दूसरी बात आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अभी वही नजर आ रहा है जो इस इस देश देश का का नहीं दे रही है। ऑपोजिशन करता है ईवीएम हैक हो सकता है ईवीएम जो है है लूटा जा सकता ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन ईवीएम में होता क्या है ये हैकथॉन में जाकर वो बता नहीं पाते सेम एग्जैक्टली आप कर रहे हैं आपको टेस्ट नहीं दे रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या गलत कर रहे हैं आपके पास महान अनुभव है सालों का अनुभव है लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलिए आवाज भी चली गई लेकिन जितना हमने सुनना था जितना लोगों तक पहुंचाना था पहुंचना था सब पहुंच गया और लोगों को भी पता चल रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद